अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमें यहाँ पे बुलाया गया, हमदान हाइट्स में इनविटेशन आया था। सोचिए आज हम रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इनका, और ये हम यहाँ से एंटर हुए थे और हमें पेंट हाउस नंबर 4 में इन्होंने स्टे करवाया था। बहुत अच्छा, बहुत लग्जरियस पेंट हाउस था, 5-स्टार पेंट हाउस, बहुत अच्छा। और ये हम चलते हुए जा रहे थे, ये हम गए लिफ्ट से और लिफ्ट के बाद हम पहुँचे जी ऊपर आ गए। ये हूँ मैं और कजन्स के साथ गॉसिप चल रही थी थोड़ी सी साथ साथ। पेंट हाउस नंबर 1 है ये, ए भी बहुत अच्छा है। साथ में ये गैलरी है इनकी, यहाँ पे भी विज़िट करवाऊँगी मैं आपको, पूरा दिखाऊँगी कि कैसे है। पहले हम अपने पेंट हाउस की तरफ चलते हैं। ये है जी पेंट हाउस नंबर 2, और पेंट हाउस नंबर 2 में इनके हैं स्विमिंग पूल भी है। और ये हमारे राइट हैंड साइड पे है पेंट हाउस नंबर 3, और आगे हम एंटर होने लगे हैं पेंट हाउस नंबर 4 में, जिसमें हमने स्टे किया था। ये जी यहाँ से हम वो एंटर, ये था इनका सिटिंग एरिया, फुल एयर कंडीशन पेंट हाउस था। ये सामने किचन था, भाई काम कर रहे हैं। फिर यहाँ आते ही हम सब बैठ गए थे, और फिर ये ऊपर से ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल था। और ये जी मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ उसका व्यू, पहले हम ऊपर से दिखा लेते हैं, चलते हैं जी रूम की तरफ। पहले सिटिंग एरिया है, देन रूम, बहुत मुझे लग्जरियस 5-स्टार पेंट हाउस था ये, और हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी पिक्चर्स ली। और ये जी पहले हम देख लेते हैं वॉशरूम को देख लेते हैं, और सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम चलते हैं रूम की तरफ, यहाँ पे सब तैयार हो रहे थे, और जी अब हम चलते हैं, फ्रेश हो रहे थे ना सब, तो अब हम चलते हैं। मेरी कज़न चलते हैं जी अब दूसरी साइड पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस वर्क अगर करना हो तो थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने आगे रूम में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वाला, दिस वन इज द रूम, कि जहाँ पे आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हो या जो भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब चलते हैं नीचे वाली साइड पे। ये जी मेरे कजन्स को शौक चढ़ा था शीशे का, और ये है नीचे का रूम, ये भी बहुत अच्छा, सॉफ्ट बेड, 5-स्टार लिटरली। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। और ये वॉशरूम लॉक था, मेरी वीडियो की तरह शीशे वाली, शीशे वाली हमारे पास है। अच्छा जी, आप भी हैं इधर। जब हम जा रहे हैं दूसरे साइड पे, ये
मुझे हम जा रहे हैं गैलरी की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं दिखाती हूँ, यहाँ से हुए हम एंटर। बहुत अच्छा बना हुआ था ये एरिया, यहाँ पे इतने मज़े की फ़ोटोग्राफी हुई हमारी, हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली। और ये इस तरह से बना हुआ था, थोड़ी सी गर्मी थी बट पिक्चर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की। जी अब खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी थी, हमने चीज़ें से ऑर्डर किया था, क्राउन क्रिस्प पार्टी साइज पिज़्ज़ा एंड टू चीज़ स्टिक्स। बुरहान ये कहाँ से आएगा हमदान है? ये मेन एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही आगे जीटी रोड चढ़ जाएगी और ऊपर वो जो पुल है वो रावलपिंडी जाता है, और ये इस साइड से इधर ये राइट साइड पे है, इधर एक रोड आ ये जो मेन एक्सप्रेस हाईवे के साथ हमदान हाइट्स को कनेक्ट करती है। और अगर किसी ने हमदान हाइट्स या कजानी रिजॉर्ट को बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके जी हमदान, हेलो इशार, यहाँ पे होता है मेरा ब्लॉग एंड। और ज़ैनब आप कुछ कहना चाहेंगी? जी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इनके चैनल को, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।